नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। भारत कजाकिस्तान के बीच 5 समझौतों पर हस्ताक्षर। भारत और कजाकिस्तान ने बुधवार को 5 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिनमें सैन्य सहयोग बढ़ाने के लिए रक्षा समझौता और यूरेनियम की आपूर्ति का अनुबंध शामिल है। दोनों देशों के बीच ये समझौते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कजाक राष्ट्रपति नूर सुल्तान नजरबायेव के बीच समग्र वार्ता के बाद हुए, जिसमें इन्होंने आतंकवाद और चरमपंथ के खिलाफ लड़ाई में सक्रियता से सहयोग करने का निर्णय किया। मोदी ने नजरबायेव के साथ सीमित लोगों की वार्ता के साथ शिष्टमंडल स्तरीय चर्चा भी की। व्यापम घोटाले से जुड़े 17 आरोपियों को दूसरी जेल में भेजा जाएगा। व्यापम घोटाले में गिरफ्तार 30 वर्षीय पशु चिकित्सक की जिला जेल में बीमार होने के बाद एक स्थानीय अस्पताल में संदिग्ध हालत में मौत से खड़े हुए बवाल के बाद इंदौर जेल प्रशासन घोटाले में बंद 17 विचाराधीन कैदियों को किसी दूसरे कारागार में स्थानांतरित करना चाहता है। हालांकि इस कवायद के पीछे उसका औपचारिक तर्क है कि करीब 920 कैदियों वाले जेल में इलाज की पुख्ता व्यवस्था नहीं है। जिला जेल के अधीक्षक RS भाटी ने बुधवार को बताया कि आरोपियों को स्थानांतरित करने के लिए जिला अदालत में जल्द ही अर्जी दायर करेंगे, जहां कैदियों के लिए 24 घंटे खुला रहने वाला अस्पताल और पर्याप्त चिकित्सा स्टाफ हो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा अब यूपी में इफ्तार का आयोजन। नई दिल्ली में हाल में इफ्तार आयोजित करने के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा अब उत्तर प्रदेश में भी इस तरह के आयोजन करने पर जोर दिया जा रहा है। सूबे में इस तरह का पहला इफ्तार मुरादाबाद में आयोजित किया गया। सूबे के अन्य हिस्सों में भी इस माह के दौरान इस तरह के इफ्तार और ईद मिलन कार्यक्रम आयोजित करने की योजना है। पाकिस्तान में नहीं लगेगा जमात उद दावा पर प्रतिबंध। पाकिस्तान ने मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद की अगुवाई वाले संगठन जमात उद दावा पर प्रतिबंध लगाने की संभावना को खारिज करते हुए दावा किया है कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि इसका ताल्लुक आतंकवाद और प्रतिबंधित संगठन लश्कर-ए-तैयबा से है। इस्लामिक स्टेट पर दबाव जरूरी, कहा बराक ओबामा ने। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा है कि इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया के विरुद्ध लड़ाई जल्द समाप्त नहीं होगी। इसके लिए उसकी कमजोरियों का लाभ उठाकर उस पर सैनिक तथा आर्थिक दबाव बनाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सैनिक तथा आर्थिक दबाव से ही अंततः इस आतंकवादी गुट को पराजित किया जा सकता है। उन्होंने रक्षा मंत्री एस्टन कार्टर, ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन मार्टिन डेम्प से तथा अन्य सैनिक कमांडरों की राय सुनने के बाद कहा कि IS को पराजित करने में इराक तथा सीरिया की सेना की मुख्य भूमिका होगी। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।